हेलो टिस्टिले एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज अभी हम ब्रेकफास्ट खा चुका है, अभी खाया हुआ है, तो लंच का और लंच प्रिपेयर करने जा रहा है, क्योंकि लंच अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। पुतंग बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। पुतंग जो होता है हमारा पेमाकोपा का ट्रेडिशनल फूड होता है, वो हैंडमेड हाथ से बनाता है, हैंडमेड फूड है। तो मेरा वीडियो को सभी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है, बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही प्यार देते रहना तो अच्छा मोटिवेट भी अच्छा मिलता है। मुना और मेरा बहन को कुछ कहने देते हैं, कुछ कहिए मुना। मेरा दीदी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू। चलते अभी बनाते हैं पुतंग। मेरा आनी जो है आटा गूंद रहा है। अभी हम अभी पुतंग बना रहे हैं, पेमाकोपा ट्रेडिशनल फूड है, इसको पुतंग कहते हैं। हम अभी आटा गूंद रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लहसुन और ब्लैक पेपर बोलते हैं ना, एल्मा बोलते हैं, वो कूट रहे हैं। यहाँ पे एक ग्रीन ऑनियन अपना छोटा सा गार्डन से लेते हैं, हम लोग नहीं खरीदता है। मामा धनिया, मामा तो धनिया यहीं से साफ करके लेके जाएगा वहाँ पे, तो पानी में थोड़ा सा धुलना पड़ेगा। बहन जो है अपना पति के साथ फैमिली जा रहे है, तो गैस भी लेके जाएगा बोला है, तो गैस साफ कर रहा है, चेक कर रहा है सिलेंडर के साथ। हमारा पुतंग ऐसे बनाया जाता है। के बाद ऐसे उबालना पड़ता है, ये उबालने के बाद यहाँ पे रखा हुआ है, ये पक चुका है। अच्छा है, अच्छा से भुनना पड़ता है, जैसे 15-20 मिनट पूरा भुनना पड़ता है अच्छा से नहीं भुनने पड़ते, उसका स्मेल नहीं निकलता है, तो इसलिए अच्छा से भुनना पड़ता है। पानी डाल दे इसमें, अच्छा से भुनने के बाद पानी डालने के बाद डालना पड़ेगा, जब तक ये उबलता है, तब तक उबलने के बाद ये ग्रीन ऑनियन और सिलेंडर है ये डालेगा। यहाँ पे मिक्स करके रखा है, बहुत बनाए हुए क्योंकि आज मेरा फैमिली बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा बना हुआ है और यहाँ पे बना हुआ है। ये जो है पुतंग का सब्जी, मैंने ये ग्रीन ऑनियन पहले आटा और ऑनियन और टमाटो को अच्छा से फ्राई करना पड़ता है, उसके बाद और ब्लैक पेपर और लहसुन अच्छा से कूट के यहाँ पे डालना पड़ता है, उसके बाद ये अच्छा से फ्राई करना पड़ता है, उसके बाद मैदा डालता है, मैदा को अच्छा से भुनना पड़ता है, अच्छा से जैसे 20 मिनट्स तो भुनना ही पड़ता है अच्छा से, जब तक खुशबू स्मेल अच्छा से आ जाए, तब उसके बाद पानी डालना पड़ता है। पानी डालने के बाद ये पानी उबलने के बाद तभी हम ये ग्रीन ऑनियन और धनिया डालते हैं, उसके बाद बस हो गया, ये पुतंग का सब्जी है। ये पुतंग जो है हमारा पेमाकोपा का ट्रेडिशनल फूड है। पूरा यहाँ पे बना के रेडी हो चुका है,
ये है पुतंग का सब्जी। पुतंग ज्यादा हुआ है इसलिए बड़ा सा कढ़ाई में बना हुआ है। मम्मी इसमें अभी चटनी बना रहे, हम लोग चटनी बनाते हैं। हम लोग चिल्ली जो ये सूखा के रखा था ना, ये वाला था, ये वाला चिल्ली है, सूखा वाला चिल्ली वाला। मिर्ची, लहसुन, थोड़ा सा अजनी मिर्चो और नमक, और हम ये बाद में लास्ट में एंड द एंड में चीज डालते हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे पानी थोड़ा सा डाला ताकि ये गीला हो जाएगा ना, थोड़ा सा वेट हो जाएगा। चटनी जो है कूट के खुद बनाने से बहुत अच्छा होता है, मशीन में थोड़ा अच्छा नहीं होता क्योंकि टेस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता कूट का जैसा। बीन है, सोयाबीन। मैंने सोचा एक चीज़ डालेगा लेकिन मम्मी ने चीज़ नहीं डाला, सोयाबीन वो बना हुआ है, बना हुआ है वो डाला। मिर्ची जो है ये वहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, मम्मी बना चुका है, टेस्ट बहुत अच्छा है गुदा वाला मिर्ची। मैं भी जाएगा ना ये कुटने वाला लेके जाएगा क्योंकि मेरा कर्मी नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे पानी डाला है, अभी ये रेडी हो चुका है। थोड़ा सा मुंह में पानी आ रहे, अच्छा से बना चुका है अभी। पुतंग खा रहे हम हाथ से खाते हैं, ये पुतंग है ना, पुतंग हाथ से खाता जाता है। खाना खा चुका है तो स्टार फूड खा रहा है। थैंक्स।
पेगा ना साया ए उंचा जा उंचा नाओ जा नाओ जा मुना के डर मुझे बोलो जानना सी Let's go.